बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। तौहीद मेरी नजरों एक अल्लाह पे तवक्कुल, तौहीद एक अल्लाह के लिए शुक्र का जज्बा दिल में, तौहीद एक अल्लाह की मोहब्बत खूब शदीद, तौहीद अल्लाह के हुक्म पे बिल्कुल चुस्ती के साथ अमल करना, नमाज से मोहब्बत रखना, जिक्र जिक्र अस्का से मोहब्बत रखना और इल्म दीन को हासिल करने से मोहब्बत करना, ये अमल इल्म दीन को हासिल करने कोशिश करना, ये तौहीद, ये तौहीद। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान। हम अपने नौजवानों को भी पैगाम देना चाहते हैं, ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमारा मुल्क है, इसे गैर का मुल्क ना कहो। हम अकलियत में हैं सही, लेकिन इस मुल्क में 1400 साल से रहते हैं, लिहाजा इस मुल्क के सिलसिले में बगावत के जज्बात ना रखो, बगावत के जज्बात ना रखो, इस मुल्क में बगावत के जज्बात ना रखो और बागियाना तहरीकों का साथ ना दो। जैसे तुमने माजी में इस मुल्क को बनाया, आइंदा भी बनाओ, जैसे तुमने माजी में इस मुल्क को संवारा, आइंदा भी इस मुल्क को संवारो, जैसे तुमने माजी में इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, मुस्तकबिल में भी इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दो। इस मुल्क में मेमार बनकर रहो, तकरीबकार नहीं। नौजवान दिन रात रहते हैं वो आपस की हिफाजत के। मैं पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को, उन हजरात को जो हम एलिटीसों की इस मुल्क से वाबस्तगी या इस मुल्क में वजूद या इस मुल्क में बका या इस मुल्क की बाकी में हिस्सेदारी या इस मुल्क की तमाम चीजों में हमारी नुमाइंदगी पे सवाल उठाना चाहते हैं या किसी भी गलत वजह से हम एलिटीसों को निशाना बनाना चाहते हैं, हम ये कहना चाहेंगे हम कोई बाहर से आए हुए कल के लोग नहीं। क्या आज आप घर से बाहर भेजने के बारे में सोचने लगो, याद रखना हम वो लोग हैं जिनकी जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हैं और यहाँ हम हमेशा से हैं और हमेशा इंशाअल्लाह रहेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें पूरा यकीन है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता है, तुम अपने सरपरस्तों और अपने बड़ों के लिए खैर खाही का जज्बा रखो। आज हमारे अंदर अमूमन मुसलमानों के अंदर वो जज्बा नहीं है जो होना चाहिए, अपने बड़ों के लिए, उलुल अम्र के लिए, अपने उलमा के लिए जो जज्बा खैर होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है। हमारी अफरा तफरी की जिंदगी उस वक्त खत्म होगी जबकि हम तकवा और परहेजगारी को अपनाएं, जबकि फरमा बरदारी की जिंदगी गुजारने का फैसला करें और साथ ही साथ अपने बड़ों की बात माने और उनकी इताअत करें। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये